आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बीते दिन हुए भयानक आंधी व बारिश में फसलों के क्षति के बाद परेशान किसानों को राहत मिलेगी। कृषि पदाधिकारी ने बताया कैसे मुआवजा मिलेगा उन्हें। सरकार की तरफ से सारी जानकारी ले ली गई है, अब किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा ने बताया कि बीते दिन लगातार हुए बारिश में 9,150 हेक्टेयर में मक्का की क्षति का आकलन करके सरकार को भेजा गया था, जिसकी सरकार द्वारा स्वीकृति हो गई है। 7 तारीख से 20 तारीख तक किसान आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद विभाग के कर्मी द्वारा सबकी जांच कर आगे की कार्रवाई होगी। 27 अप्रैल तक यहाँ आंधी बारिश हुई थी, उसमें 9,150 हेक्टेयर में मक्का की क्षति का हम लोग ने आकलन करके भेजा था, उसमें सरकार के द्वारा स्वीकृति हो गई है। अभी जो है 7 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उसी दौरान जो आवेदन करेंगे हमारे कर्मी जो पहले क्वारंटाइन या इस सब में लगे हुए थे, जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी को उससे मुक्त कर दिया गया है, फ्री हो गए हैं, वो जाँच करके सभी को मतलब भेजेंगे, तो उसके बाद हम लोग भी यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, ऑटोमेटिक उसके खाते में राशि जो है पहुँच जाएगी। लेकिन कई जगह से ये शिकायतें आ रही है कि वहाँ पे साइट नहीं खुल रहा है। नहीं नहीं, उस मतलब कल तक प्रॉब्लम था, आज शाम से मतलब कल ही शाम से साइट खुलने लगा, अब दिक्कत नहीं है। अब किसान जो किसान के फॉर्म मतलब आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जांच करने वाला साइट जो था वो नहीं खुल रहा था, वो शाम से कल से खुलने लगा है। अब कोई दिक्कत नहीं, हमारे कर्मी भी फ्री हो गए हैं, अब मतलब 20 तारीख तक हम लोग सारा काम जो है ये मतलब युद्ध स्तर पर करके कम्प्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।